नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खास खबर में और मैं हूं आपके साथ नया शर्मा। आज चर्चा करेंगे प्रदेश में बढ़ती गर्मी को लेकर। गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। लोग घर में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। यहां अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सीजन का सबसे ज्यादा तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार एक सप्ताह तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अगर हरियाणा की बात करें तो प्रदेश में गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है और गर्मी का तापमान लगातार हरियाणा में बढ़ते जा रहा है। गर्मी को देखते हुए बच्चों के स्कूलों का समय भी सुबह 7 बजे से 12 बजे तक कर दिया है और सड़कों की बात करें तो कई सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वह अपने आप को पूरी तरह से ढक कर निकल रहे हैं। तो वहीं बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों की एक ऐलान भी कर दिया है। शिक्षा विभाग के नए आदेश के अनुसार अब 21 मई से 24 मई तक गर्मी के कारण विशेष अवकाश रहेगा। 1 जून से लेकर 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो वहीं IMD के अनुसार जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को छू लेता है तो हीट वेव का अलर्ट जारी किया जाता है, जो कि सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा है। अगर अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री ज्यादा हो जाए तो लू का अलर्ट जारी किया जाता है। इस दौरान लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मौसम विभाग ने यह कहा है कि 22 मई तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना हो सकती है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, और जगदीश प्रजापति हमारे संवाददाता सिरसा से, कालावाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, आपके पास मैं सबसे पहले आऊंगी। अगर बात करें फरीदाबाद की, फरीदाबाद में क्या कुछ स्थिति और हालात देखने को मिल रहे हैं, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए अनाया, अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से देखा जाए तो गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार दिन पे दिन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी की जो है तापमान की बात की जाए तो लगभग जो है वो 40 सेल्सियस डिग्री जो है वो यहाँ पर जो है मापा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अभी 11 बजे का समय है, वो कहीं ना कहीं पूरा दिन अभी पड़ा हुआ है। देखा जाए तो फरीदाबाद में लगातार जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अनाया, तो इसके चलते जो आम जन है, आम लोगों की समस्याएं जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहली बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग के लोगों को जो है वो काफी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पक्षी और जानवर वो भी कहीं ना कहीं इस गर्मी के प्रकोप से वो जो है वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पक्षियों के लिए लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो गर्मियों में सूखा पड़ जाती है और गर्मियों में पक्षियों को पानी नहीं मिलता। इसके चलते कहीं ना कहीं पक्षी भी जो है वो काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, देखे जा सकते हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि अनाया, जानवरों की बात की जाए तो क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो गांव में जो झोड़े होती हैं वो भी कहीं ना कहीं सूखने लगती हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जानवरों के लिए भी पानी की बहुत जो है वो किल्लत बन जाती है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं अनाया की फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से शहर एक हब माना जाता है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं फरीदाबाद में आए गर्मी जो हर साल जिस तरीके से गर्मी आती है तो अनाया यहाँ पर पानी की जो है वो काफी किल्लत यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात की जाए तो संजय कॉलोनी NIT क्षेत्र की बात की कर ली जाए, चाहे वो 55-56 सेक्टर की बात कर ली जाए, वो बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी की बात कर ली जाए, तमाम इलाकों की जो मैं आपको बता रहा हूँ अनाया, इसमें जो है लगभग जो है हर बार हर साल गर्मी की के समय में जो है वो पानी की किल्लत है सामना करना पड़ता है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं अनाया, कहीं ना कहीं जो पानी के माफिया है उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर मनमानी देखने को मिलती है, क्योंकि जो है वो पानी लेकर के पहुंचते हैं टैंकरों में और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा वसूल लेते हैं और पानी देखने का काम करते हैं, लेकिन नगर निगम हर बार हर साल ये दावा करती है कि कहीं ना कहीं पानी के जो माफिया है उन पर नकेल कसी जाएगी और कहीं ना कहीं पानी के माफियाओं को जो है वो रोका जाएगा। और सुचारू रूप से जिस तरीके से देखा जाए तो बस्ती को, कॉलोनी को, सेक्टरों को सुचारू रूप से जो है वो पानी दिया जाएगा, लेकिन अनाया हर साल जो है दावे यहाँ पर फेल होते हुए नजर आते हैं। और उसके साथ साथ मैं बता दूं अनाया, अगर फरीदाबाद के मार्केट की बात की जाए तो कई रोड ऐसे हैं जहां पर सन्नाटा पसरा रहता है, कोई बाहर नहीं निकलता है, तो इस तरीके के हालात जो है वो दिन पर दिन प्रतिदिन बनते जा रहे हैं। जी अनाया,
ये तो तमाम बातें हुई फरीदाबाद को लेकर और निराशाजनक ही बात सामने आ रही है। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, पानी की कटौती को लेकर, लोगों के लिए सभी व्यवस्थाओं को लेकर, प्रशासन के काम को लेकर, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं फेल होते नजर आ रहे हैं, ये काफी निराशाजनक बात है। फरीदाबाद की फिलहाल हम बात कर रहे थे, अभी आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति जुड़े हुए हैं सिरसा से। सिरसा की अगर बात करें, कालावाली की अगर बात करें, जगदीश क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है तापमान को लेकर? कालावाली और सिरसा की मौसम की बात करें तो अभी जो टेम्परेचर है वो 42-47 डिग्री के करीब पहुंच गया है, और कल भी देखने को मिला था कि सिरसा सबसे जो कम सबसे ज्यादा टेम्परेचर सिरसा में देखा गया था, 47.8 डिग्री जो सिरसा का टेम्परेचर था। कहीं ना कहीं सिरसा जो क्षेत्र है वह पंजाब और डबोवली, पंजाब और राजस्थान के सामने है, और कहीं ना कहीं सिरसा में गर्मी हमेशा ज्यादा पड़ती दिखाई दे रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय की बात करें तो स्कूलों में निर्देश दिए, सभी स्कूलों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जो आप एक पहली क्लास लेके आखिरी तक की जो छुट्टियां पहले घोषित कर दी गई थी, लेकिन कल जैसे ही मौसम विभाग की ओर से मतलब अलर्ट जारी हुआ तो उसको देखते हुए कल जो छुट्टियां हैं 8वीं से 12वीं के जो बच्चे थे उनकी छुट्टियां 31 जो मई तक जो है घोषित कर दी गई है। कहीं ना कहीं बस अभिभावकों को राहत जो है मिलती नजर आई है। लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे कि गर्मी बढ़ रही है, बच्चों को बाद दोपहर में छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल से 9वीं से 10वीं की बच्चियां थी जो उनको पैदल या साइकिल पर या स्कूटियों पर स्कूल जाना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं गर्मी जो बढ़ रही थी उसको लेकर अभिभावकों की मांग थी। इसको देखते हुए प्रशासन ने छुट्टियां जो घोषित की है, भैया बात कर लेते हैं मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा ठंडे पानी का प्रयोग करें, गन्ने का जूस व तरबूज व ठंडे खान पान का प्रयोग करें, गर्म वस्तुओं का गर्म खाने पीने की जो चीजें हैं उनको थोड़ा दरकरार करें। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट है जो जारी किया गया है, भाई कलावली और डबोवली सिरसा अलावा डारिया में देखा जाए तो डारिया के मरीज बढ़ रहे हैं, उल्टी दस्त के मरीज है, कहीं ना कहीं जो बढ़ते नजर आ रहे हैं सरकारी अस्पतालों में देखा जा रहा है कि उल्टी और दस्त के जो मरीज है, पेट दस्त के मरीज है अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में ज्यादा दवाइयां मिल रही है ना डॉक्टर मिल रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जरूर रोष देखा जा रहा है। बात कर ले बढ़ती गर्मी को लेकर, बिजली और पानी की, तो बिजली के कट लंबे आपके पास, माफ कीजिएगा छोटे से ब्रेक का समय हो चुका है, यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला, तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम रुख करेंगे हमारे चर्चा की और जगदीश प्रजापति हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कालावाली से हमें जानकारी साझा कर रहे थे। जगदीश, ये तो हम छुट्टियों की बात कर रहे हैं कि छुट्टियों जो है बढ़ा दिया गया है, 45 दिन की छुट्टियां जो है बच्चों की कर दी गई हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। पहले अधिकतर बच्चों की छुट्टियां 42 दिन की रही गई है, लेकिन इस बार 45 दिन की जो छुट्टियां हैं बच्चों के लिए दी गई है, और गर्मी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल अनाया, बच्चों की पहले 42 दिन की छुट्टी होती थी, लेकिन अब 45 दिन की छुट्टियां कर दी गई है, क्योंकि अब की बार जो देखा जा रहा है कि 7-8 साल से पिछला जो रिकॉर्ड है वह गर्मी तोड़ती नजर आ रही है, गर्मी जो इतनी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मौसम में तब्दील 7-8 साल बाद रिकॉर्ड तब्दील देखा जा रहा है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया कि बच्चों की छुट्टियां बढ़ाई जाए। भाई अगर हम बात कर रहे थे कालावाली पानी और बिजली को लेकर, तो बिजली है, बिजली के लंबे कट जो है लग रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर इतना एकदम बढ़ जाता है कि जो बिजली के ट्रांसफॉर्म चल रहे हैं तारों में आग लग रही है, तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों का यही कहना है कि उन्हें
कट लगाना पड़ता है और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मर को जो पंखे और पानी छिड़क कर उन्हें ठंडा जो है किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मौसम के बढ़ रही गर्मी के कारण यह दिक्कतें लोगों को आ रही है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की बात करें तो उनकी ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि बिजली की जो बचत रखें और जो लोड है उसको कम करके रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अब जो मौसम तब्दील हो रहा है तो गर्मी बढ़ रही है उसको लेकर एयर कंडीशन ज्यादा चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ने के कारण वह जल जाते हैं और जलने से लंबे समय तक ट्रांसफॉर्मर नहीं रखे जाते और लोगों को परेशानियों का सामना करना है। उसी के चलते पानी की जो सप्लाई है वह भी नहीं हो पा रही है। कालावली में बात करें तो कालावली शहर के साथ लगते गांव की बात करें तो वहां से गुजर रही नहरों में बंदियों के कारण जो है नहरी पानी शहर के लोगों और आम जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। दो दिन की कटौती के बाद सप्लाई दी जाती है, इसको लेकर कहीं से भी शहर कालावली शहर डबोवाली और अहलाबाद रानी शहर की बात करें या फिर शहर की बात करें तो आठ आठ को पानी को लेकर बचा हुआ है। कहीं ना कहीं लोग मोल पानी लेकर पीने को मजबूर है। कहीं ना कहीं प्रशासन से बार बार अपील जो है लोग करते नजर आ रहे हैं कि पानी की जो सुचारू व्यवस्था की जाए। अभी कालावली की बात करें तो कालावली में सुचारू रूप से पानी देने के लिए समर्पित बल बोर तो लगा रखे हैं लेकिन बोरों का पानी पीने लायक के लिए कहीं ना कहीं उसकी सप्लाई जो दी जाती है तो उसमें टीडीएस जो है लगभग 21,000 के करीब टीडीएस 2100 के करीब जो है टीडीएस आ जाता है। टीडीएस अगर पानी की बात की जाए पीने वाले पानी की बात करें तो 210 से 250 जो टीडीएस होना चाहिए। क्लोरोफाइड की बात करें तो क्लोरोफाइड इतना ज्यादा है कि खारा पानी होता है मुंह तक नहीं लगाया जाता लेकिन फिर भी लोग पीने को मजबूर है। अगर बात बसवान के विभाग के कर्मचारियों की बात करें तो उनका यही कहना है कि लंबे समय तक यही पानी लोग पीते रहे तो कहीं ना कहीं कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। इसको लेकर लोग जो परेशान नजर आ रहे हैं और लोग जो है बार बार बात करते नजर आ रहे हैं कि नहरी बंदी को जो बंदी की गई है उसको कंफर्म किया जाए, उनकी रेट कम की जाए, क्योंकि अगर शहरी बात करें शहरी क्षेत्र की तो यहाँ पर स्टोरेज करने के लिए जो टैंक है वह कम पड़ रहे हैं और शहर जो है बढ़ चुका है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सप्लाई सुचारू रखने के लिए नहरबंदी कम दिन के लिए की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को उचित पानी और बिजली मिल सकता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग जो है आज एक लोगों की बुद्धिजीवी लोगों का एक बैठक होगी और उसके बाद उपमंडल अधिकारी से मिलने का जो काम है उसकी ओर से भी किया जाएगा। जी राया जगदीश, तमाम बातें तमाम संकट हैं लोगों के लिए पानी को लेकर, एक बहुत ही जो कि बोलते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन में इंसान के पानी, उसको लेकर लगातार हम भी चर्चा कर रहे हैं कि पानी कटौती को लेकर लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इस पर कोई भी समाधान निकलते नजर नहीं आ रहा है। आपके पास लौटूंगी मैं मोनू, आपके पास फरीदाबाद एक शहर है, एनसीआर का रीजन है, दिल्ली से लगता हुआ सटा हुआ बॉर्डर भी है और अगर बात करें कि यहाँ पर रोजमर्रा की जो लोग हैं जो छोटे काम करते हैं, ऑटो चालक हैं जो बाहर रेड़ियां लगाते हैं और टेम्पो ट्रक जो चलाते हैं, ये लोग काफी परेशानियों का सामना करते हैं क्योंकि भारी गर्मी में सुबह से लेकर शाम तक इनको तो काम करना ही पड़ता है चाहे कितना भी तापमान हो। देखिए अनाया, सबसे बड़ी पहली बात की जाए तो सोफिया जी तक जो है वो स्कूल में कहीं ना कहीं टाइमिंग जो है वो चेंज की गई है क्योंकि देखा जाए तो बच्चे जो है वो ट्रेवल जो है बस के अंदर इनको वैन के अंदर भी करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ भी आती है कि अनाया स्कूल के समय बच्चे बड़े आराम से जो है वो स्कूल पहुंचाते हैं लेकिन जब छुट्टी होती है दोपहर का समय होता है जब बच्चे इको वैन में या बस में जब ट्रेवल करते हैं तो कहीं ना कहीं गर्मी से काफी जूझना पड़ता है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं अनाया, क्योंकि एक फरीदाबाद हब है यहाँ पर टैक्सियां तमाम ऑटो बंद यानी कि तमाम जो ट्रेवल है वो यहाँ पर चलते हैं और उसके साथ साथ देखा जाए तो टेम्पो का जो टेम्पो जो चलाते हैं यानी कि टेम्पो चालक जो है उनको काफी जो है गर्मी से जूझना पड़ता है क्योंकि रोजमर्रा का काम है उनका, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तो इसको लेकर के अगर बात की जाए तो टेम्पो चालकों की तो वो कहीं ना कहीं गर्मी से जूझते हुए नजर आते हैं और उसके साथ साथ सवारियों की बात की जाए तो सवारियों को काफी देर तक इंतजार करते हैं क्योंकि टेम्पो जो वो है वो रोड पर खड़ा होता है, धूप में खड़ा होता है, कहीं ना कहीं सवारी यानी पैसेंजर का इंतजार करते हैं और कहीं ना कहीं तरीके से जब ऑटो भर जाता है तो कहीं ना कहीं जब वो सवारियों को लेकर के चलते तो जिस तरीके से बाकी की बात की जाए तो मजदूर वर्ग की बात की जाए, ऑटो चालकों की बात की जाए, चाहे वो बस ड्राइवर की यानी बस चालक की बात की जाए तो तमाम चीजों को लेकर के जो रोजमर्रा की जो धूप में काम होते हैं। अगर हम बात की जाए तो पत्रकारों की बात की जाए तो जिस तरीके से जीरो ग्राम शहर रिपोर्ट को जो है वो कहीं ना कहीं दर्शकों तक पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिपोर्टर भी लगातार जीरो ग्राउंड पर काम करता है क्योंकि राजनीति का माहौल चल रहा है और कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो जो है काफी है
कोई यहाँ पर बनती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी वर्ग के लोग जो है वो काफी जो है यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए तो अनाया जिस तरीके से फैक्ट्रियों की, क्योंकि फैक्ट्रियों का हब है फरीदाबाद और यहाँ पर बड़ी बड़ी भट्टियां या बड़ी बड़ी चिल्लियां जो जरूर चलती है उनसे भी जो है कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग है वो भी काफी परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि भट्टी की गर्माहट और कहीं ना कहीं जिस तरीके से परमात्मा ने गर्म जो आग है वो लगातार जो बरसा रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों को मिलाकर की बात की जाए तो मजदूर वर्ग जो है वो काफी परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शिक्षा अधिकारी की बात तरफ से बात की जाए तो अनाया कहीं ना कहीं टाइमिंग में जो चेंजिंग है वो जरूर यहाँ पर कर दिए, क्योंकि सुबह 7 बजे से और 12 बजे तक का स्कूल जो टाइम रखा है उसमें जरूर चेंजिंग की है ये। लेकिन अभी तक जिस तरीके से अनाया गर्मी लगातार बनती हुई नजर आ रही है, चेंजेस समय में किए जा रहे हैं। अवकाश को बढ़ा दिया गया है 3 दिन को, 3 दिन से 42 दिन पहले हुआ करता था 45 दिन कर दिया गया है। लेकिन स्कूलों में क्या तमाम व्यवस्थाएं बच्चों के लिए की गई है? स्कूल बस जैसे कि आप बता रहे हैं टेम्पो में आते हैं, बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा होती है गर्मी में, फिर दोपहर में उन्हें आना पड़ता है ऐसी हालात में इतनी तेज धूप और गर्मी में, तो इन सब चीजों को लेकर क्या कुछ सुविधाएं स्कूलों में की जा रही है? स्कूलों में फैन होना, स्कूलों में एसी की व्यवस्था होना, स्कूलों में स्वच्छ पानी होना, बच्चों के लिए तमाम व्यवस्थाएं क्या वो स्कूलों में देखी जा रही है? देखिए अनाया अगर बात की जाए तो, क्योंकि शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो है वो सख्त निर्देश यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए चाहे वो सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो तमाम जगह पर जो है वो सख्त निर्देश जो है सर सख्त लहजे में कहते हुए मतलब यहाँ पर जो है वो बयान दिया है। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूलों में कहीं ना कहीं सभी अच्छी व्यवस्थाएं सुख सुविधाएं जो है वो बच्चों के लिए होनी चाहिए, चाहे वो पंखे की बात कर ली जाए, चाहे वो एसी की बात कर ली जाए, चाहे वो कूलर की बात कर ली जाए। और इसके साथ साथ मैं बता दूं अनाया यहाँ पर जो है शिक्षा अधिकारी ने सख्त लहजे में यहाँ पर ये भी कहा कि जिस तरीके से एक महेंद्रगढ़ में जिस तरीके से जो कांड हुआ था वो कांड यहाँ पर ना हो, क्योंकि गाड़ी को जो है पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा बच्चों को जो है वो जिस तरीके की गाड़ी में जो संख्या होती है उसके आधार पर बिठाएं, ज्यादा बच्चों को यहाँ पर ना बिठाएं, गर्मी का समय है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना ना घट जाए, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा अधिकारी ने जो सख्त लहजे में जो है यहाँ पर ठीक है। मोनू आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, ब्रेक का समय हो गया, आपके पास फिर से लौटूंगी मैं इस ब्रेक के बाद। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के। Hey mom, hey look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus. 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Gana. Download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. Humne banaya kit se. Chacha, naukri lag gayi hai. दो कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं, और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, रुख करेंगे हमारे संवाददाता मोनू की ओर। जी मोनू, स्कूलों की हम बात कर रहे थे, प्राइवेट स्कूलों की अब बात कर रहे थे, जिस तरह से कि प्राइवेट स्कूलों के निर्देश जारी किए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो देखिए होती भी है सुविधा और सुविधा जायज भी है, लोग फीस देते हैं, इतने पैसे देते हैं। और सरकारी स्कूलों की बात करें जहां पर गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां की क्या स्थिति हालात देखने को मिल रही है? देखिए अनाया, अगर सरकारी स्कूलों की बात कर ली जाए तो सरकारी स्कूलों में जो है पूरी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी के तरीके से दुरुस्त कर ली गई है। क्योंकि देखा जाए तो शिक्षा बोर्डिंग शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो है वो यहाँ पर जो है वो दिशा निर्देश दिए गए थे, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो गर्मी के तापमान बढ़ने की आशंका यहाँ पर जताई थी, तो इसके चलते कहीं ना कहीं शिक्षा अधिकारी ने जो है वो सख्त निर्देश दे दिए। सरकारी स्कूलों की बात की कर ली जाए तो अनाया सरकारी स्कूल में जो है वाटर कूलर वो पूरी तरीके से यहाँ पर दुरुस्त यहाँ पर कर दिए गए हैं। वही पंखे की बात कर ली जाए तो पंखे भी पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर लिए गए हैं, वो चल भी रहे हैं। यानी कि बात की जाए तो कूलर की बात कर ली जाए, चाहे वो खिड़की दरवाजों या पर्दों
सड़कों की बात कर ली जाए तो तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अनाया यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से दुरुस्त यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। वाटर कूलर की बात कर ली जाए, चाहे वो मटके के पानी की बात कर ली जाए, चाहे जिस तरीके से मिड डे मील का जो खाना आता है उसको भी जो है टीचर चेक करके तब बच्चों को खिलाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से शिक्षा अधिकारी की तरफ से सख्त लहजे में जो सख्त निर्देश यहाँ पर जो है दिए थे तो कहीं ना कहीं वो अब जीरो ग्राउंड पर काम होता हुआ साफ तौर से देखा जा सकता है। अनाया जी, मोनू, ये तो तमाम वाटर कूलर की बात, आप फैन की बात कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की तो जब प्राइवेट स्कूलों से हमारे सरकारी स्कूलों के सिस्टम ज्यादा बेहतर होंगे उस दिन हमारा देश और प्रदेश विकास विकसित होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में एक तरफ एसी की व्यवस्थाएं हो रही है तो एक तरफ वाटर कूलर की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में हो रही है, सरकारी स्कूलों में जर्जर हालत हम देखते हैं, तो ये तमाम चीजें तब हमें समझ में आएंगी कि प्रशासन और सरकार की ओर से काम हो रही है। जिस दिन हम एजुकेशन सिस्टम को समझेंगे बहुत सही सिस्टम में चल रहा है हमारा सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर साबित होगा, उस दिन हमारा सरकार देश जो है प्रदेश जो विकसित होगा। चलिए, फिलहाल तो हम इसी सब चीजों के लिए उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए ये सब तमाम काम करेंगी। हम आपके पास आएंगे जगदीश, मतदान को लेकर अगर बात की जाए, 25 तारीख को मतदान हो रहे हैं और इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि मतदान वैसे भी कम हो रहे हैं देश में, हम देख रहे हैं पिछले चरणों में जितने भी मतदान हुए हैं काफी कम प्रतिशत में हुए, 5 चरणों में, और हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर 25 तारीख को मतदान हो रहे हैं, तो इसको लेकर और उपचुनाव भी हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चुनाव विभाग के द्वारा की जा रही है। जागरूक अभियान तो चलाया जा रहा है पर लोगों को अगर व्यवस्थाएं नहीं मिलती है तो जागरूक अभियान जो है वो काम बेअसर नजर आएगा और काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर लोगों के लिए तमाम व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी, बूथ पर लोग नहीं पहुंचेंगे और चुनाव में वोट डालने नहीं आएंगे और मतदान फिर से कम दिखाई देगा, और इस बार मौसम जो है ये बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है मतदान में। जी बिल्कुल, हराया 25 मई को चुनाव होना, उसको लेकर जो चुनाव आयोग की बात करें तो बिल्कुल मतदान करवाने के लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है, बाराजी जगह जगह प्रचार किया जा रहा है, लेकिन बात करें बूथों पर तो बूथों पर सरकार प्रशासन की ओर से अगर बात की जाए, बात कर ले तो कहा जा रहा है कि हर तरह के प्रबंध जो कर लिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बूथ जहाँ पर प्रबंध करने से वहाँ पर पानी की व्यवस्था जो है की जा रही है, लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, पंखे कूलर की व्यवस्था की जा रही है, टेंट लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मौसम जो है तब्दील होता नजर आ रहा है, गर्मी इतनी बढ़ रही है। हमने देखा कि पिछले जो मतदान पिछले चरणों में हुआ था, 4-4 चरण में मतदान है बहुत कम हुआ है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो लोग गर्मी के चलते जो है वोटिंग करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की बात कर ले तो उनकी ओर से जो विकलांग व्यक्ति है या वृद्ध व्यक्ति है तो उनको घर घर जाकर कहीं ना कहीं चुनाव करवाने का काम है किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम सिरसा जिला की बात करें तो सिरसा जिला के लोग अब इतने अवेयरनेस की बढ़ती कि गर्मी के चलते अपना घर से प्रबंध करने की तैयारियां जो है लोगों ने बना लिया, लेकिन चुनाव है मतदान है जो कहीं ना कहीं अब जाएगा और सिरसा जिला के लोग 65% लगभग के करीब है मतदान जो करने को पहुंचेंगे, हो सकता है कि इससे भी ऊपर सिरसा जिला का मतदान हो। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों की बात करें हालांकि इतनी गर्मी है लेकिन अब भी करने के लिए जुटे हुए हैं। ठीक है, समय की पाबंदी है इसलिए आपको रोकना चाहूंगी, इस ऐप के बारे में आपसे जानना चाहूंगी शॉर्ट में कि एक ऐप भी सरकार के द्वारा, चुनाव विभाग के द्वारा माफ कीजिएगा, लॉन्च किया गया है लोगों के लिए, अगर वो ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं घर बैठे ही कि कितनी भीड़ है, कितनी लाइन है, उसके बाद आप घर से निकल के मतदान केंद्र पहुंचे, इस ऐप के बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, ऐप का ऐलान जो है किया गया है, लेकिन ऐप के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी लाइनिंग है और लाइनिंग में काफी भीड़ का पता लग जाएगा, कोई कौन से बूथ पर कितनी भीड़ है, इस ऐप के माध्यम से लोग अपने नजदीकी बूथ को देखकर वोटिंग के लिए जा सकते हैं ताकि लंबी कतार में ना लगना पड़े और कहीं ना कहीं मौसम की जो मार है उनको ना झेलनी पड़े, इसलिए ऐप का लॉन्चिंग जो है की गई है। जी ठीक है, ठीक है जगदीश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मोनू आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद दर्शकों तक तमाम जानकारी विस्तार से पहुंचाने के लिए। देखिए, मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी है और बच्चों, बुजुर्गों और बीमारी से ग्रस्त लोगों से अधिक सावधानी से रहें, उनके साथ अधिक ध्यान रखें, इसके लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिन के समय में घर से बाहर न निकलें और शरीर को हाइड्रेट रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ जैसे लस्सी, नींबू पानी और छाछ का सेवन करते रहें, वहीं सूती वस्त्र पहने, घर से बाहर निकलते समय धूप से चश्मे और छाता टोपी का प्रयोग करके खुद को बचाएं और खुले में कार्य करते हैं तो सर और चेहरा और हाथ पैरों को गीले कपड़ों से ढककर रखें, तेज धूप से बचने के लिए छाते का प्रयोग जरूर करें, वहीं लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपड़े से पीछे अथवा नहलाएं और साथ ही जल्द से जल्द उन्हें चिकित्सक के पास लेकर जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें और अपना और अपनों का ध्यान रखें, खासकर अपने आसपास बेजुबान जानवरों का भी ध्यान रखें।
और फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में हम यहीं रुकेंगे, आपसे फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।